स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र बताऊंगा, ठीक है, कि सिंधु नदी इसका उद्गम कहां से हुआ और जाकर के अरब सागर में किस स्थान से गिरती है, ठीक है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग सिंधु नदी तंत्र सीखने वाले हैं। तो बात करें सिंधु नदी की तो ये एशिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, ठीक है। एशिया में जो इतनी नदियां बहती हैं तो उनमें से बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से ये भी एक बड़ी नदी है। तो इसकी यदि लंबाई की बात कर ली जाए तो 3610 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है? 3610 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की। तो इसका उद्गम कहां से हुआ? तो पश्चिमी तिब्बत जो कहां पड़ता है? चाइना में। तो यहीं पे मानसरोवर झील से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ, ठीक है, किसका? सिंधु नदी का। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम हुआ तो आप लोग बताएंगे सिंगी खम्बाव ग्लेशियर या बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे थोड़ा और डिफरेंट पूछ लिया जाए कि किस हिमनद से इसका उद्गम हुआ तो आप बताएंगे हिमनद से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी प्रवाह होती है तो कहां से प्रवाह होती है? कि पश्चिमी तिब्बत से भारत के जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के कराची के पास मिथान कोट एक जगह पड़ती है, तो यहीं से आकर के अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? सिंधु नदी हो गए कि कहां कहां से ये बहती है। अब इसमें सीखेंगे कि दाएं से और बाएं से कौन कौन सी नदियां आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। तो सिंधु नदी में हमारी जो बाएं से मिलने वाली नदियां हैं तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। और दूसरी क्या है? चिनाब नदी। कौन सी है? चिनाब नदी, ठीक है। तीसरी क्या है? रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो ये प्रमुख नदियां कुछ हैं जो बाएं से आकर के कितने मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये नदियां कहां प्रवाह करती हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो ये इंडिया में प्रवाह करती हैं, ठीक है। और बाएं से मिलने वाली नदियां देख ली हम लोगों ने, अब देखेंगे दाएं से मिलने वाली नदियां कि दाएं से कौन कौन सी नदियां करके सिंधु नदी में मिलती हैं। तो जो दाएं से नदियां मिलती हैं तो कौन सी मिलती है? गिलगित नदी मिलती है और दूसरी हनुजा, तीसरी क्या है? काबुल नदी एंड चौथी क्या है? स्वात नदी और पांचवी है कुंडाल नदी, ठीक है। तो ये सारी नदियां करके कराची से पहले ही किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी सिंधु नदी मिल जाती हैं और बाएं से जो नदियां थी वो भी आकर के कहां? मिथान कोट नामक स्थान पर जो कराची के पास है। तो सब नदियां यहीं पर आकर मिल जाती हैं और यहीं से नदी जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी है तो भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है तो आप लोग बताएंगे किस स्थान से प्रवेश करती है? तो चमचौक नामक स्थान है इंडिया में लद्दाख के पास, तो वहीं से ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत से बाहर पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है तो आप लोग बताएंगे चिल्लाद नामक स्थान है इंडिया में, यहीं से पीओके के पास, तो यहीं से कहां? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी थी और इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य ये मैं आपको बताया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस नदी पे कौन कौन से प्रमुख डैम है या कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं बनी है जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल बांध है तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश पे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध तो आप लोग बताएंगे सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर बना है और कहाँ पर बना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं जो दूसरा बांध है कौन सा है? बगलिहार बांध। ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे पड़ता है। कौन सा बांध? बगलिहार बांध, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक जिला है डोंडा जिला। कौन सा? डोंडा जिला। तो यहीं पे पड़ता है ये बगलिहार बांध। किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे ये बांध बना हुआ है, ठीक है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे ये बांध बना हुआ है। आगे देखते हैं कि थीन बांध। कौन सा बांध है? थीन बांध। तो थीन बांध कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो कौन पड़ता है? थीन बांध पड़ता है। किस नदी पे बना हुआ है ये? तो ये बना हुआ है रावी नदी पे। किस नदी पे? रावी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पोंग बांध।
तो पोंग बांध कहाँ पे बना है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? तो ब्यास नदी पे बना हुआ है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी पे प्रमुख बांध कौन सा बना हुआ है, तो आपका कौन सा बना हुआ है? पोंग बांध बना हुआ है। फिर इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा गांधी बांध जो कि बना है हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम थे या कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी जो आपके एग्जाम में अक्सर एक या दो नंबर का क्वेश्चन इनसे आ जाता है, तो आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को बताता हूँ कि जो सिंधु नदी का जो जल प्रवाह है, तो इसी जल प्रवाह के बीच क्या हुआ, मतलब क्या थी, कुछ झगड़ा था, विवाद था भारत और पाकिस्तान को लेकर के। तो सन 1960 में क्या हुआ कि सन 1960 में जो विश्व बैंक थी, 1960 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता ली इसके बीच, इस विवाद के बीच मध्यस्थता ली, तब जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कराया, समझौता कराया। तो भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, अयूब खान थे। ठीक है, उस समय के अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो इन दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया इस पर, सिंधु नदी का जो जल प्रवाह था, तो यही का जो विवाद था, इस विवाद को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये विवाद खत्म हो गया। और जो सिंधु नदी है, तो इसका अधिकांश जल जो प्रवाह है तो कहाँ पे बहता है, जब एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में ज्यादा इसका जल प्रवाह बहता है, क्योंकि भारत में ये आपके चमचोक नामक स्थान से प्रवेश की और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। ठीक है, तो भारत में इसकी जो प्रवाह है, प्रवाह तो बहुत कम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी तंत्र क्या होता है। बेसिक मैंने जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट, वो पॉइंट बताए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरी और पाकिस्तान से गुजर करके किस क्षेत्र से होकर के अरब सागर में गिर गई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।